हम तो बड़ा शांतिपूर्ण मोर्चा गाजीपुर से चला था ये, और बड़े शांति से लोग जा रहे थे आराम से अपना, और इस पुल के नीचे निकलना था। अब कुछ ट्रॉली उनको रास्ता मालूम नहीं था शायद, और कुछ ट्रॉली इधर कुछ चली आई, वो यहाँ बैरियर लगा हुआ था, उन्होंने शायद कोशिश की हमें बैरियर पुलिस जान में रोक रही है, हमें बैरियर लंबा रास्ता यही है। इनकी झड़प हुई, आंसू गुर्दे आगे उन्होंने ये फिर बैग खोलिए, फिर किसी बुलाने का ठीक है निकलो आप, जैसे ट्रक लड़का लेकर बढ़ा है जब बताया हमें, हम तो थे नहीं यहाँ। और तो उसके बाद उसको लड़के गोली मारी है, यहाँ गोली लगी जाकर सीधी सुबह गोली मारी है, लड़का मर गया है। गोली है या वो आंसू गैस का गोला लगा है? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताओ क्या है। दूसरा, लेकिन मैं लाल किले पे था, जैसा कि बात की जो रूट था, लेकिन वो अचानक से लाल किले की तरफ आ गए, वहाँ के बारे में भी जानकारी नहीं है, मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ वहाँ पे तिरंगे पे तिरंगा, वहाँ के बारे में जानकारी क्या, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो हिंसा हुई है आप इसको कैसे देखते हैं? अभी कोई ना कोई षडयंत्र है हमारी तरफ से, कोई क्वालिटी से आंदोलन में तो क्या हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, कहीं कैसा हुआ काम मिस्टेक रही है, किसका हाथ रहा और किसने इसको प्रयोग किया, ये सब सोचने में सब बैठ के बात होगी। पर अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या आंदोलन पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा आंदोलन पे, तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या असर पड़ेगा आंदोलन पे? लेकिन अभी जो हिंसा हुई है उससे संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा ने अपने को अलग कर लिया है, जो ये हिंसा हुई है उसको उससे अलग कर लिया है। अब हिंसा हुई है, अब शाम को पता पड़ा किसने क्या करा, तोड़ फोड़ दिए। सरकार का तो कोई इसमें नुकसान नहीं, सरकार की ना किसी आदमी को कोई नुकसान है, ना किसी गाड़ी को नुकसान है। तो किसानों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, और किसानों को उस पर थोपी जा रही बात, किसान तो 62 दिन तक वहाँ बैठा, कोई भी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हो सके। किसकी चाल होगी या किसने या इस तरह की बात करी है, आंदोलन को तोड़ने की बात, अगर भाई ठीक है या किसान इस धर्म वापसी उठ जाएंगे तो संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा। मैं थोड़ा ये बात तक भाई ऐसी हुआ होगी, ये तो पहले ही 2 दिन पहले ही गोली चलवा देते हो कर देते हैं कि हद तक किसान को, किसानों की ये बेइज्जती लग रही है, हर तरह की बेइज्जती लग रही है। करण वहाँ से लाल किले जैसी जगह पे ऊपर चले गए आदमी नहीं कि तो छूट होगी, वहाँ से कितने कई लाख आदमी वहाँ से आज उसमें थे। तो इस तरह की जो यह हुई है या घटना हुई, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वो है बातचीत, इसमें यह होगी किसानों को गुमराह करके भेज दिया होगा, किसानों को तो रास्ते का नहीं पता जी। वे बैरियर लगा रखे थे तो मैं इतने कमज़ोर प्रशासनिक दिल्ली पुलिस इतने कमज़ोर क्यों है, मैं वे तोड़ दिए तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता मिला होगा, रास्ता दिया होगा, और सीधा साधा किसान है चले गए होंगे ट्रैक्टर, उन्होंने कहा दिल्ली देखी। तो हम ये चाहे इस बात की हुआ हो, और सरकार ने केंद्र सरकार ने यहाँ तक यह बात पहुँचा दी, इतनी दूर तक बात पहुँचा दी, तो ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ 2 ही शब्दों की तो बात थी, ऐसे वापसी ले लेते इस बिल को, इतना खून खच्चर करवाने लग रही है, इतना नुकसान हो गया, इतनी हुआ होगी बात, तो सरकार आखिर को चाह क्या? एक तो बताओ, गलत तो गलत ही है, हम तो इसकी निंदा करें इस तरह की बात नहीं चाहती हो। असम किसान यूनियन या किसान संगठन कभी हिंसा में विश्वास तो रखते हैं हम तो, और आज का दिन खास करके आज का दिन असम कई लाख ट्रैक्टर आज वहाँ जा रहे थे, और इस तरह की तो गलत है बात, बहुत गलत है, इसका तो हम कभी भी समर्थन नहीं करते भाई हिंसा हो, पर इसकी जांच होनी चाहिए। और किसानों के जो नुकसान हुआ, जो मुआवजा उन्हें मुआवजा मिला, जो किसान शहीद हो गया हमारा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।